तो मैं ऐसे मतलब पहले तो मैं लोगों को जज कर लेता हूँ कि ये इस आदमी को परेशानी हो सकती है या इस इसको कोई पंगा हो सकता है, तो अवॉइड देम फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकंड थिंग इज कि जहाँ पर आपको लगता है कि आप हावी हो सकते हो उसके ऊपर या आप उसको एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, तो आप वैसे लोगों की पिक्चर्स खींचने की कोशिश करो. आज जो गेस्ट हैं लाइक ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फोटोग्राफर्स प्लस कंटेंट क्रिएटर बिकॉज हिज नेम इज़ अशोक वर्मा. आई मतलब मैं एक बार इनसे मिल चुका हूँ, दिल्ली में आए थे. राइट नाउ ही स्टेज इन दुबई एंड अभी ये स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हैं, बट बहुत लंबा जर्नी रहा है इनका फोटोग्राफी में. सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू अशोक वर्मा. सो सर, सबसे पहले वेलकम टू दिस शो एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. एंड नमस्कार जी. नमस्कार. सो काफ़ी लोग ऑलरेडी हो सकता है आपसे लाइक आपको जानते होंगे बिकॉज यूट्यूब पे कई लोग जो मुझे देख रहे हैं वो आपको भी देख रहे हैं, इधर उधर ऑडियंस आती है. बट अगर कोई ऐसा व्यूअर है जो मे बी अशोक वर्मा को पहली बार देख रहा है, सो आई वुड प्रेफर कि आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर दे सकते हो. नाम पता चल गया, मेरा नाम अशोक वर्मा है. और जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं एक फुल टाइम फोटो जर्नलिस्ट हूँ, दुबई में बेस्ड हूँ. स्टार्टेड माई फोटोग्राफी फ्रॉम दिल्ली, तो दिल्ली से सारा काम शुरू हुआ. लेकिन जो मेरा बैकग्राउंड है वो है एडवर्टाइजिंग और फैशन. सो मैंने अपना जो काम स्टार्ट करा इसी एम के साथ स्टार्ट करा था कि मैं एडवर्टाइजिंग एंड फैशन फोटोग्राफी करूँगा, और वही मैं करता रहा. पिछले 3 साल से मैं फोटो जर्नलिस्ट हूँ, 3 या 4 साल हो गए हैं जब से मैं फोटो जर्नलिज्म में हूँ, फुल टाइम फोटो जर्नलिस्ट हूँ. एंड जब मैंने फोटो जर्नलिज्म स्टार्ट करा तो उसी के साथ मैंने स्टार्ट करा स्ट्रीट फोटोग्राफी. सो स्ट्रीट फोटोग्राफी करता हूँ, बैकग्राउंड एडवर्टाइजिंग एंड फैशन का है, और अभी फोटो जर्नलिज्म भी कर रहा हूँ. तो यही छोटा मोटा सा इंट्रोडक्शन है. तो सर, जैसे आपने फोटो जर्नलिज्म कहा एंड देन हम स्ट्रीट फोटो लाइक मैंने स्टार्टिंग में स्ट्रीट फोटोग्राफी बोला, बट फोटो जर्नलिज्म कहीं ना कहीं जो अभी लोग देख रहे होंगे हो सकता है वो जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, एंड एक एक डिफरेंस होता है फोटो लाइक आपके हिसाब से फोटो जर्नलिज्म एंड स्ट्रीट फोटोग्राफी में एक थिन लाइन है या क्या डिफरेंस कैसे हम बोल सकते हैं? मेरा जो मानना है, जितना मैंने स्टडी करा, जितना मैंने देखा चीज़ों को, जो फोटो जर्नलिज्म है वहीं से स्ट्रीट फोटोग्राफी स्टार्ट हुई है. आज जिन बड़े बड़े फोटोग्राफर्स का हम नाम लेते हैं कि ये स्ट्रीट फोटोग्राफर्स हैं या थे, तो वो बेसिकली थे फोटो जर्नलिस्ट. तो ये जो टर्म है फोटो जर्नलिज्म और स्ट्रीट फोटोग्राफी, स्ट्रीट फोटोग्राफी बाद में जन्मी लेकिन बेस उसका फोटो जर्नलिज्म है. लेकिन स्ट्रीट फोटोग्राफी में भी बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हैं. कुछ लोग स्ट्रीट पोर्ट्रेट करते हैं, कुछ लोग कैंडिड स्ट्रीट करते हैं, कुछ लोग कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में स्ट्रीट करते हैं. तो सिर्फ इतना सा ही फर्क है. बाकी जो बेसिक्स हैं, जो फोटो जर्नलिज्म के बेसिक्स हैं, वो ऑलमोस्ट सेम हैं. लेकिन फोटो जर्नलिज्म में भी बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे कि फोटो जर्नलिज्म सिर्फ स्टोरी या डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता. फोटो जर्नलिज्म आप इवेंट्स की भी करते हो, आप बड़े बड़े कोई वॉर की फोटो जर्नलिज्म होती है तो उसमें भी, स्पोर्ट्स भी फोटो जर्नलिज्म में आता है, सेलिब्रिटीज़ को शूट करना भी फोटो जर्नलिज्म में आता है. लेकिन उसका एक छोटा सा हिस्सा, जो फोटो जर्नलिज्म का एक छोटा हिस्सा है, वो स्ट्रीट का हिस्सा बना, जिसमें कि चीज़ें कैंडिड होती हैं और आप एनवायरमेंट दिखाते हो और एक कैंडिड मोमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करते हो विदाउट डिस्टर्बिंग योर सब्जेक्ट्स, एंड देन यू क्रिएट अ स्टोरी आउट ऑफ इट. सो मेरे हिसाब से ये है, ये एक फ़र्क है. तो मे बी क्या हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे फोटो जर्नलिज्म हो गया, लाइक अगर मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी बात करूं, डायरेक्टली आप एम्प्लॉयड नहीं हो, आप कहीं एजेंसी में या कहीं वर्क नहीं कर रहे, मे बी डायरेक्टली, बट फोटो जर्नलिज्म में हो सकता है कि यू आर वर्किंग अंडर सम एजेंसी या किसी पब्लिकेशन के साथ. आप क्या हम ये भी डिफरेंस बोल सकते हैं ना? हाँ, ये डिफरेंस भी हो सकता है, क्योंकि फोटो जर्नलिज्म जब आप कर रहे हो तो आपका एक एम है, आपके पास एक स्टोरी है जिस चीज़ को आपको कवर करना है, तो आप पहले से सोच के चल रहे होते हो. लेकिन और क्या कहते हैं, किसी एजेंसी के लिए काम कर रहे हो या फ्रीलांस काम कर रहे हो या फुल टाइम फोटोग्राफर हो किसी न्यूज़पेपर के साथ, तो जैसे मैं फुल टाइम फोटोग्राफर हूँ एक दुबई मीडिया के लिए, तो हम लोगों के पास असाइनमेंट्स होते हैं, हमें पता होता है कि हमें क्या करना है. लेकिन फोटो स्ट्रीट फोटोग्राफी में आप
खुली मतलब एक खुले बंदे की तरह हो कि आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है कि आप क्या चूज़ करते हो, तो वहाँ पर आप एम्प्लॉयड नहीं हो। सर क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं ये देखा है कि जैसे लेट सपोज हम 5 लोग एक ग्रुप में स्ट्रीट फोटोग्राफी करने जा रहे हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं हर 5 बंदा अलग अलग फ़ोटो निकालेगा बिकॉज सबका अपना स्टाइल होगा, और कहीं ना कहीं ये भी होता है कि आप चीज़ों को कैसे परसीव करते हो, कैसे देखते हो एंड उसको कैसे आप विजुअली दिखाना चाह रहे हो, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक पूरा फ्रीडम हमारे पास रहता है और हम कैसे चीज़ों को दिखाना चाह रहे हैं, इट्स मोर अबाउट दैट स्ट्रीट में कहीं ना कहीं, राइट? तो वो एक फ्रीडम हमारे पास ऐसा ही होता है। या शुरू में जैसे मैंने भी जब मैंने स्टार्ट करा था मतलब अराउंड 3-4 ईयर्स बैक, तो मैं भी एक दो फोटो वॉक्स में गया, तो मैंने वहाँ देखा कि अल्टीमेटली हमें अपनी तरीके से देखना है, हमें जो मैं कर रहा हूँ वो करना है, तो मतलब ग्रुप्स में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ पर भी जाकर आपको अलग ही रहना है। तो आई स्टॉप गोइंग टू दीज फोटो वॉक्स, क्योंकि बेसिकली चीज़ें तो वही हैं, मतलब कैमरा वही है, उनकी सेटिंग्स भी वही हैं, लेकिन आप किस तरह से देख रहे हो सारी कहानी उसी के ऊपर है। एंड स्ट्रीट फोटोग्राफी में या फोटो जर्नलिज्म में भी, मतलब के जैसे फोटो जर्नलिज्म में सपोज मैं एक इवेंट कवर कर रहा हूँ तो सारे लोग एक जगह खड़े हुए हैं या हम लोगों को एक जगह असाइन करी हुई है, लेकिन मैं एज अ फोटोग्राफर मैं चाहूँगा कि मैं कुछ अलग तरह से उस चीज़ को दिखाऊँ या देखूँ। तो वही है कि आप चीज़ों को परसीव कैसे करते हो और आप उन चीज़ों को एक्सप्रेस कैसे करते हो थ्रू फोटोग्राफी, तो स्ट्रीट में भी सिर्फ वही होता है। तो इसीलिए वो लोगों को मैंने देखा है कि जब ग्रुप में जाते हैं तो वो एक दूसरे को, जैसे अगर एक बंदे ने इधर कैमरा फोकस करा तो सब लोग उधर ही देख के वो पिक्चर खींचने की कोशिश करते हैं, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि उसमें आप ग्रो नहीं कर सकते, उसमें आप किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हो। तो बेस्ट तरीका है कि आप अकेले घूमो, अकेले चीज़ों को देखो, ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है, और बटन दबाने से पहले 50 बार सोच लो कि आपको करना क्या है या आपके दिमाग में जो स्टोरी है उसको आप ला पा रहे हो या नहीं ला पा रहे हो। सर बिकॉज जैसे अगर हम स्ट्रीट फोटोग्राफी, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स अभी बोले, लाइक स्टार्टिंग जैसे दिल्ली में मुझे याद है जब मैंने 2011 में स्टार्ट करा था तब फोटो वॉक्स होते थे, हम ग्रुप्स में जाते थे और वहाँ होता क्या था कि मे बी हमने थोड़ा शूट करना स्टार्ट किया, फिर आपस में लोग बातें कर रहे हैं या वही होता था एक बंदा कोई एकदम से उधर कैमरा कर रहा है तो सब वही शूट करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इससे मुझे एक क्वेश्चन आ रहा है कि लेट्स सपोज अगर कोई अभी स्ट्रीट फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखता है या मे बी फोटो जर्नलिज्म या कोई भी, तो मे बी ऐसे अगर मैं बोलूँ 2 या 3 सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशन, बिकॉज एक तो हो गया कि हम जाके शूट कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ सोर्सेज हैं जो आप लोगों को सजेस्ट कर सकते हो जहाँ से वो लाइक कुछ आइडियाज़ ले सकते हैं या कैसे वो स्टार्ट कर सकते हैं फॉर इंस्पिरेशन? मेरे हिसाब से देखना बहुत ज़रूरी है। जब मैंने भी स्टार्ट करा तो मैं भी किसी के काम से इंस्पायर्ड हुआ और उसको देखा, उसको स्टडी करा, मतलब खींचने से पहले मैंने बहुत चीज़ों को देखा और देखा कि एक्चुअली ये होता क्या है। तो जैसे मैं सजेस्ट करूँगा कि इंडिया में दिल्ली में रोहित वोरा और विनीत वोरा हैं, उनका एक ग्रुप है आर्ट फोटो फीचर, तो APF के नाम से है, तो वो एक बहुत बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मतलब सारी पिक्चर्स वो लोग पोस्ट नहीं करते हैं, दे सेलेक्ट पिक्चर्स, तो सेलेक्टिव काम होता है और आप देखकर बहुत कुछ सीख सकते हो, मतलब सिर्फ देखकर कि होता क्या है स्ट्रीट फोटोग्राफी, और उनके कमेंट्स पढ़कर बहुत अच्छा सीख सकते हो। दूसरी जो एक सोर्स है जो मैं मतलब सबको रेफर करूँगा कि आप मैग्नम की वेबसाइट है, तो मैग्नम्स की बुक्स भी हैं, तो मैग्नम की अगर आप वेबसाइट्स पर जाते हैं वहाँ पर शुरू से, मैग्नम एक बहुत बड़ी एजेंसी है, वहाँ पर शुरू से लेके अब तक के जितने भी काम हैं, फोटो जर्नलिस्ट के भी काम हैं, स्ट्रीट फोटोग्राफर्स के काम हैं, डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी है, तो वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये 2 सोर्सेज हैं जो बहुत बड़े हैं, बाकी तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत सारी इंस्टाग्राम पे ग्रुप्स बने हुए हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि ज़्यादा में भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन 2 के ऊपर आप अगर कॉन्सेंट्रेट करते हो एंड ट्राई कि आप अपनी पिक्चर को ऐसा खींच पाओ कि आप APF के ग्रुप में उसको शेयर कर पाओ, मतलब वो सेलेक्ट हो जाए, तो दैट इज़ ऑल्सो अ बिग थिंग। तो क्योंकि वहाँ पर लोग जो बैठे हुए हैं वो उन चीज़ों को देखते हैं कि इस पिक्चर में दम है या नहीं है, तभी वो पिक्चर सेलेक्ट होती है, तभी वो पिक्चर वहाँ पर पोस्ट होती है। तो देखना बहुत ज़रूरी है, और देखना नहीं मतलब उस चीज़ को एनालाइज़ करना कि यार ये पिक्चर अच्छी क्यों लग रही है, इसमें ऐसा क्या है, मतलब ये सिंपल पिक्चर है, लाइट अच्छी है, कॉम्पोजिशन अच्छा है, क्या है इसमें, तो उन चीज़ों को एनालाइज़ करना, और ना चाहते हुए भी आप उन चीज़ों को अपने दिमाग में बिठा लोगे, और जब आप एक्चुअली में पिक्चर खींचने जाओगे तो कहीं ना कहीं वो एक रेफरेंस पॉइंट आपको रहेगा, खींचोगे आप अपने ही तरीके से, लेकिन वो आपको हेल्प करेगा गाइड करने के लिए, एंड अल्टीमेटली फिर धीरे धीरे करके आप
अपने आप को इम्प्रूव करते जाओगे अगर आप मेहनत कर रहे हो तो. Right. सोचने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा. नहीं, एग्जैक्टली. बिकॉज अच्छा, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है. लाइक अगर हम इंस्टा, लाइक सोशल मीडिया की हम बात कर रहे हैं, कि इंस्टाग्राम भी एक सोर्स आता है जो काफ़ी लोग जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ इंस्टाग्राम ही कहीं ना कहीं एक सोर्स बन जाता है स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए. तो मतलब मेरा एक ही ओपिनियन है, मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा. मेरे लिए इंस्टाग्राम इज़ गुड अगर आप कुछ जस्ट शूट कर रहे हो, और बिकॉज इंस्टाग्राम पे कोई आपको ये नहीं बताएगा कि इसमें कॉम्पोजिशन ख़राब है या लाइटिंग ख़राब है. लाइक 99.9% कमेंट्स होंगे अमेजिंग, वाओ, ग्रेट. कोई आके आपको क्रिटिसाइज़ करने वाला नहीं होगा. वेरस जैसे आपने ग्रुप बताया, देन फेसबुक में काफ़ी ग्रुप्स हैं, वहाँ पर एटलीस्ट लोग फीडबैक देते हैं. तो डू यू थिंक इंस्टाग्राम अभी जो सोलली, मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि सिर्फ इंस्टाग्राम पे अगर आप इंस्पिरेशन ले रहे हो तो कहीं ना कहीं वो आपकी ग्रोथ लिमिट कर देता है. आपका क्या पर्सपेक्टिव? हाँ, इंस्टाग्राम सिर्फ, हाँ मेरा भी यही पर्सपेक्टिव है कि वो आप, क्योंकि लोग एक दूसरे को बताने में बहुत डरते हैं. मतलब नहीं, मैं सच बता रहा हूँ कि मतलब उनको लगता है कि दूसरे बंदे को बुरा लग जाएगा, क्योंकि आप अपनी वीडियोस में तो पूरा फीडबैक देते हैं ऑनेस्ट. वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज वैसा बहुत कम हो रहा है अभी. तो वही है, क्योंकि आप किसी की मदद नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ उसको बोल देते हो बहुत अच्छा जी, तो आप मेरे ख्याल उसको नीचे ले जा रहे हो, आप उसको आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दे रहे हो. लेकिन अगर आप दो मिनट के लिए बुरे भी बन जाते हो, अगर वो सीखने वाला इंसान है तो वो सीखेगा अगर आप उसको सही से गाइड कर सकते हो और अगर आपको सही नॉलेज है. इसीलिए इंस्टाग्राम पे मैं ये मानता हूँ कि आप अपनी पिक्चर्स पोस्ट करो, आप अपना उसको एक पोर्टफोलियो की तरह पकड़ के चलो कि ओके आई विल शो माय वर्क हियर. इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वैसी प्लेटफॉर्म्स पे जाना ज़रूरी है जहाँ पर लोग आपके पिक्चरों के ऊपर कमेंट करते हैं, बिना डरे कमेंट करते हैं, और औरों के कमेंट्स भी पढ़ने चाहिए. मतलब सिर्फ अपनी पिक्चर की नहीं, और पिक्चर्स के ऊपर भी क्या कमेंट्स आए हैं या क्या सजेशंस आए हैं उनको देखकर मतलब बहुत कुछ सीखा जा सकता है. तो और दूसरा एक और तरीका जो मैं समझता हूँ कि जहाँ पर आपको रियली अपनी वर्थ जाननी है, वो है कि आप अगर आपको लगता है कि आपने कुछ अच्छा काम करा है तो आप पार्टिसिपेट करो कुछ इंटरनेशनल जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं स्ट्रीट फोटोग्राफी से रिलेटेड, उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करो. क्योंकि सबको अपना काम तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप बड़े समुंदर में कूदते हो ना, तब पता चलता है कि आप कहाँ खड़े हो. तो अगर आप वहाँ पे सेलेक्ट नहीं होते हो, डीमोटिवेट मत हो. मतलब सोचो कि क्यों नहीं हुए सेलेक्ट, मतलब और लोगों ने क्या पोस्ट करा था. तो ये एक और अच्छा तरीका होता है जहाँ से आप क्या कहते हैं बहुत कुछ अपने बारे में और अपने काम के बारे में जान पाते हो. और बाकी मेरे यहाँ आ जाओ, मैं सबको ठीक कर दूंगा. क्योंकि मेरे को किसी को, मुझे किसी से कुछ लेना नहीं है ना कुछ देना है, बल्कि देना ही है. देना ये है कि मैं सही तरह से आपको गाइड करने की कोशिश करता हूँ. तो उसमें बहुत सारे लोग हैं कि सर आप बहुत रूड हो, आप ये है वो है, लेकिन अल्टीमेटली फायदा यही होगा. Exactly. मतलब उनका ही फायदा होना है, मेरा कोई फायदा नहीं होना. हाँ, तो जैसे सच सुना है, जैसे स्कूल में होता था, हमें उस टाइम पे लगता था कि टीचर्स कुछ बोल रहे हैं तो हमें बुरा लगता था, बट बाद में रियलाइज होता है आपको कि वो आपके भलाई के लिए था. एंड कमिंग मतलब उस पॉइंट से, लाइक ऑब्वियसली अभी काफ़ी लोग देख रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि लाइक अशोक वर्मा नाम से जस्ट सर्च फॉर हिज चैनल. बिकॉज अगर आपको ऑनेस्ट फीडबैक चाहिए, जैसे अभी बोला अशोक सर ने कि लाइक उनको अप्रोच करो, मे बी ही मेक्स अ सीरीज़ जहाँ पे आप फीडबैक ले सकते हो. बट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये यूट्यूब आपकी लाइफ में कैसे हुआ? मतलब लाइक वाई एग्जैक्टली यूट्यूब, और क्या? बिकॉज मैं जब आपकी वीडियोज़ देखता हूँ ऑनेस्टली, मतलब मुझे लगता है कि इतना एनर्जी से और जो आपका पूरा थॉट जाता है एक वीडियो के पीछे, उतना अगर मैं बनाने बैठूंगा तो मैं शायद हफ्ते में दो या एक से ज़्यादा नहीं बना पाऊंगा. बट इवन एक वीडियो में भी इतने डिफरेंट टेक्स, इतने डिफरेंट एंगल्स और इतना थॉट जो जाता है, दैट इज़ अमेजिंग. तो मतलब यूट्यूब कैसे स्टार्ट हुआ वो मैं कैसे हुआ? हाँ, यूट्यूब ऐसे स्टार्ट हुआ कि मेरा एक दोस्त था, वो वीडियोस बनाता था. एंड मुझे मतलब शुरू से, मतलब जब मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट करी थी तो मैं फिल्म से बहुत लाइक इंस्पायर्ड था कि ये फिल्म्स बनती कैसे हैं, मतलब शुरू कहाँ से होती है. आप मानोगे नहीं, मैंने कहानियाँ भी लिखी हुई हैं, मतलब लाइफ स्टोरीज़ के बारे में, मतलब पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, लेकिन मेरे को कभी वो मतलब ज़रिया नहीं मिला कि कैसे शूट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं. लेकिन जब डिजिटल कैमराज में कैमराज आए और एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स आए, तो मैंने सोचा कि करा जा सकता है. तो मेरा जो पहला एक मैंने छोटा सा वीडियो बनाया था अपने ऑफिस के लिए, तो वो आई मूवी पे बनाया, मतलब फ़ोन पे बनाया. और खड़े खड़े ही मेरे को उस इंसान ने, जिसका वो यूट्यूब चैनल था, उसने मुझे सिखाया कि इसको ऐसे जोड़ सकते हैं, इसको ऐसे काट सकते हैं, साउंड इसमें ऐसे डाल सकते हैं. तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा. तो
वहाँ से मेरे को लगा कि मुझे मतलब सीखना है। आप मानोगे नहीं कि शुरू में मतलब मैंने इतने सारे ट्यूटोरियल्स देखे और मैं सिर्फ अपना घर में कुछ भी कैमरा लिया और ऐसे 3-4 क्लिप शूट करे और बस मेरा एक एम होता था कि इनको जोड़ना है और इससे कोई कहानी निकले और उसमें साउंड कैसे आएगी और टेक्स्ट कैसे आएगा। 8-8 घंटे में कंटिन्यूसली बैठ के वीडियोस के ट्यूटोरियल्स देखता था। एक तरफ मेरा अपना एडिटिंग सॉफ्टवेयर खुला होता था और दूसरी तरफ मैं बैठ के एडिट करने की कोशिश कर रहा था। तो वो जो सीखने की एक मतलब ना कीड़ा था, उसी से मतलब ये हुआ कि व्हाई नॉट शेयर व्हाट आई हैव लर्न्ड। बिकॉज जब मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट करी थी, आप मानोगे नहीं, मैं बहुत लोगों के पास गया, दैट इज अराउंड 1995। और लोग वो एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है जो मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करो। बिकॉज लाइक उस टाइम पे लाइक अगर मैं बात करूँ, लाइक मैं तो था तो मैं डिजिटल, मतलब मेरे पास पूरे रिसोर्सेज थे फिर भी, बट आई वुड लाइक टू नो योर साइड ऑफ स्टोरी की आपने कैसे इन्फॉर्मेशन गैदर करे। इन्फॉर्मेशन किस बारे में? फोटोग्राफी, जैसे आप अभी बता रहे थे कि जब आपने स्टार्ट करा तो। मैंने जब स्टार्ट करा तो मतलब मुझे क्या कहते हैं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि मतलब कैसे है, और उस वक्त ना गूगल था ना कुछ था। तो मैं दिल्ली में जो कबाड़ी बाजार लगता है वहाँ से किताबें खरीद के लाता था, विजुअल आर्ट्स की और कॉस्मोपॉलिटन और वोग, उनको देख देख के मैंने फोटो खींचना स्टार्ट करा। फिर मुझे किसी ने बोला कि आप किसी के असिस्टेंट बन जाओ। आप मानोगे नहीं, दिल्ली में जो जो उस वक्त बड़े बड़े फोटोग्राफर्स थे, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं सबके पास गया कि मुझे असिस्टेंट रख लो, मैं चाय पिला दूंगा, मैं झाड़ू लगा दूंगा, मैं मतलब सब कुछ करूंगा आपके लिए। लेकिन सब यही टरका देते थे कि अच्छा कल आना परसों आना। लोग मतलब अपने स्टूडियो तक में नहीं घुसने देते थे, बाहर से ही भगा देते थे। तो उनको लगता था शायद पता नहीं ये मुझसे कुछ छीन लेगा, लेकिन ट्रस्ट मी, जिसको सीखना होता है ना उसे कोई नहीं रोक सकता। आप मानोगे नहीं, मैंने उसको एक चैलेंज लिया। एक साल के अंदर अंदर मैंने अपना वर्कफोलियो क्रिएट करा, मतलब अपने हिसाब से जितना मुझे नॉलेज थी, एंड मैं फिर से उन्हीं फोटोग्राफर्स के पास गया और उनको मैंने अपना काम दिखाया कि मेरा ये काम है। तो वो मुझसे पूछते कि ये किसने शूट करा है, मैंने कहा मैंने शूट करा है। तो और आप मानोगे नहीं, फिर वो मेरे दोस्त भी बने, दे रिस्पेक्टेड मी, मेरे आज भी वो सारे फेसबुक पर हैं। लेकिन वही था कि सीखना है, और मुझे आज तक मतलब इट्स बीन लाइक लॉन्ग टाइम, मैं आज भी सीख रहा हूँ। जैसे अभी मैंने यूट्यूब चलाना सीखा, तो मेरे को ये नहीं होता कि ये बड़ा है या छोटा है या ये 10 साल का है या 12 साल का है। अगर किसी से भी सीख सकते हो तो सीखो, आई मीन मतलब पूछ लो, क्योंकि वो सबसे बेस्ट तरीका है आपको अपने आप को ग्रो करना है तो पूछ लो। मुझे मतलब मुझे टॉयलेट जाना है, मैं 5-स्टार रेस्टोरेंट में खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, बस शर्म आ रही है कि मैं किसी से पूछूंगा नहीं, मेरा मतलब मेरी हालत खराब हो गई है, लेकिन मैं पूछूंगा नहीं, उसका क्या फ़ायदा। सीधा जाओ काउंटर पे, पूछो सर वेयर इज़ द टॉयलेट, एंड आपको रास्ता मिल जाएगा, आप पहुंच जाओगे, ना उसको शर्म आएगी ना आपको शर्म आएगी, और आपका काम बन जाएगा। तो मेरा ये पॉलिसी है, तो आई मीन दैट्स हाउ आई लर्न बेसिकली, एंड स्टिल लर्निंग। मतलब मैं ये नहीं कहता कि मुझे सब कुछ आता है, और इसीलिए मतलब मैं अपने वीडियोज़ में भी आई ट्राई टू एक्सपेरिमेंट, मतलब अलग अलग तरह से वाइड एंगल से शूट कर लो, ऐसे शूट कर लो, लो एंगल शूट कर लो, और साउंड के साथ कैसे इम्प्रूव करा जा सकता है, तो वो सारी चीज़ें सीख रहा हूँ मैं, अभी भी सीख रहा हूँ, हर रोज़ सीख रहा हूँ। तो यही तरीका है। हाँ, बिकॉज अभी हम बात कर रहे थे, लाइक आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, लाइक अगर आप 5-स्टार होटल में हैं ना आप, उससे मेरा एक क्वेश्चन निकल के आता है कि जब हम स्ट्रीट फोटोग्राफी की बात करते हैं तो बहुत लोगों का ये रहता है कि हम कैमरा लेके तो बाहर निकल रहे हैं, बट एक वो अंदर डर होता है स्टार्टिंग में, सबके ही होता है कि लोग क्या कैसे उसको लेंगे, कोई आगे हमें मारने ना लग जाए। तो आपका क्या टेक है उसके बारे में, या क्या सजेशन है लोगों को कि वो कैसे धीरे धीरे उसको उस डर को निकाल सकते हैं? वो डर मतलब सबके साथ होता है, मेरे साथ भी था। जब मैंने भी स्टार्ट करा तो मेरी तो मतलब फट गई थी। मैं मुझे लगता था, और स्पेशली बीइंग इन दुबई, यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, तो क्या कहते हैं मतलब मुझे लगता था कि बस अब जेल में गया मैं। तो मैंने क्या करा, शुरू में मैंने सोचा कि स्ट्रीट फोटोग्राफी है, मतलब एक्सप्रेशन ही से दिखाने हैं, तो 7200 से शूट कर लेते हैं, दूर दूर से ही शूट कर लेते हैं। लेकिन आई रियलाइज्ड कि ये सब नकली हो रहा है। तो करना, फिर मैंने ये स्टार्ट करा कि मतलब मुझे लगता है कि आप अपने तरीके अपने आप ही ढूंढ लेते हो। जैसे मेरी आप ज़्यादातर पिक्चर्स देखोगे, मतलब उसमें पीपल आर देयर, राइट? तो मैं ऐसे मतलब पहले तो मैं लोगों को जज कर लेता हूँ कि ये इस आदमी को परेशानी हो सकती है या इसको कोई पंगा हो सकता है, तो अवॉइड देम फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग इज़ कि जहाँ पर आपको लगता है कि आप हावी हो सकते हो उसके ऊपर, या आप उसको एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, तो आप वैसे लोगों की पिक्चर्स खींचने की कोशिश करो, ठीक है? तो या ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी की शक्ल दिखानी है, यू कैन प्ले अराउंड विथ सिलुएट्स, यू कैन प्ले अराउंड विथ बॉडी लैंग्वेज। तो
मैंने आप मेरी पिक्चर्स देखेंगे तो उनमें मैंने शक्लें दिखाई हैं। फिर मैं एक और नई चीज़ सीखी, मैंने मतलब ये सारी मेरी प्रक्रिया रही कि मैं पोस्टर्स को यूज़ करने लगा, मतलब पोस्टर्स आर डेड। तो मैंने क्या करा कि जहाँ पे भी पोस्टर्स लगे होते हैं या रिफ्लेक्शंस होते हैं उनको यूज़ करना स्टार्ट करा एंड उनको रिलेट करना स्टार्ट करा सिलुएट्स के साथ। तो लोग पोस्टर के आगे हैं, पीछे से लाइट आ रही है, लेकिन मैं बॉडी लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ। और फिर आप अपना एक नया तरीका ढूंढ लेते हो। तो अभी मैं उन लोगों को अप्रोच करता हूँ, बेधड़ल्ले से अप्रोच करता हूँ जहाँ पर मेरे को लगता है कि ये मुझे कुछ नहीं कहेगा या मैं इससे भिड़ सकता हूँ या मैं इससे लड़ सकता हूँ। और दूसरा एक और तरीका मैंने जो सबसे बेस्ट सीखा वो था कि वेस्ट लेवल से शूट करना। आज आप मेरी जितनी भी पिक्चर देखेंगे मैं कैमरा के मतलब अपनी आँख को अपने कैमरा को अपनी आँख तक नहीं लेकर आता हूँ। मैं सिर्फ वेस्ट लेवल से शूट करता हूँ। मैं ना स्क्रीन पर देखता हूँ, कुछ नहीं देखता हूँ। मुझे पता है मेरे कैमरा पे 35mm का लेंस लगा है, मुझे पता है उसका एंगल ऑफ व्यू कितना है, वो सिर्फ मेरे शोल्डर पे लटका रहेगा एंड मैं देख दूसरे डायरेक्शन में रहूँगा और पिक्चर मैं लेफ्ट साइड में ले रहूँगा और पिक्चर कैमरा को साइलेंट मोड पे ले रहूँगा। और एक और तरीका है कि आप छोटा इक्विपमेंट लेके घूमो, मतलब बड़े बड़े कैमराज और 3-4 बैग लटका के मत जाओ। गो लाइक अ टूरिस्ट, चप्पल पहन के जाओ, शॉर्ट्स पहन के जाओ और ऐसे के जैसे मतलब आप तो घूम रहे हो, आप तो खोए हुए हो, तो पीपल विल नॉट बॉदर यू, पीपल विल थिंक के मतलब ऐसे ही है कोई बंदा। तो ये कुछ रूल्स थे जिनको मैंने धीरे धीरे करा, मतलब ये एक दिन में नहीं हुआ, तो धीरे धीरे समझ में आया कि हाँ इन चीज़ों को कैसे आप कर सकते हो। तो इसीलिए सबसे बेस्ट रूल है कि करो, करना ज़रूरी है। और ट्रस्ट मी, जो लोग रोकते भी हैं या जो लोग बोलते भी हैं, मुझे भी बहुत सारे लोगों ने बोला कि तुमने मेरी पिक्चर क्यों ली, तो हंसो, आराम से उनसे बात करो, उनको दिखाओ पिक्चर और उनको बोलो कि मैं डिलीट कर रहा हूँ। कोई लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही सिंपल तरीके हैं, लेकिन करना पड़ेगा, मतलब सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। एक दो बार किसी से मतलब जब तक पंगा नहीं होगा तब तक आपको वो डर निकलेगा नहीं। तो यू हैव टू फेस दोज पीपल जो आपके साथ पंगा कर सकते हैं एंड देन यू विल फाइंड योर ओन वे। पर बैठने से और सिर्फ सोचने से कि हाँ मैं आज डर निकाल दूंगा, ये च्युइंगम खा के जाता हूँ, तो वो नहीं निकलेगा। राइट, मतलब उसकी कोई गोली नहीं। हाँ, बिकॉज लाइक आपने जो भी ये पॉइंट्स बोले, इट्स लाइक कोई भी इवन एक महीने में भी ये चीज़ नहीं कर सकता, बिकॉज बहुत टाइम गया है उस चीज़ में। एंड लाइक आपने कहा सब अपने तरीके निकालते हैं, तो वो ऑब्वियस जितना लोग बाहर निकलेंगे प्रैक्टिस करेंगे तभी वो चीज़, क्योंकि एक स्ट्रीट में जो मैंने काफ़ी चीज़ मतलब अभी स्टिल मैं बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहा हूँ उस, वो स्ट्रीट मेरे ख्याल से एक ऐसी चीज़ है जो मतलब आप ऐसे नहीं बोल सकते मैं पूरा स्ट्रीट फोटोग्राफी समझ गया। उसमें एक साइकोलॉजी है, जैसे आपने बहुत अच्छे से बोला कि प्रिडिक्ट करना, मे बी मतलब हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये हो जाएगा, बट मे बी एक अजम्पशन होना कि ये यहाँ से पास हो रहा है, तो वो आई थिंक एक स्किल भी कहीं ना कहीं एज अ स्ट्रीट फोटोग्राफर डेवलप करनी चाहिए। राइट, आपका क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब क्योंकि सी आपको मतलब ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है, आपको लोगों को उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ कैसे हो रही है। मतलब ये बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, अभी थोड़ी देर में ये शायद राइट को मूव करेगा, आपने अपना फ्रेम तैयार कर लिया है, तो आपको वेट करना है, ऑब्जर्व करना है और धीरे धीरे होता है ये, मतलब ओवरनाइट कुछ नहीं होता। तो धीरे धीरे आपको सब पता चल जाता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि टू बिकम अ फोटोग्राफर यू आर जस्ट वन पिक्चर अवे। वो एक पिक्चर के लिए आपको पिक्चरें खींचते रहना है, लेकिन जिस दिन आपने वो एक पिक्चर खींच ली तो आपको वो फार्मूला समझ में आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या टेक्निक है। पर उसके उस पिक्चर तक पहुँचने के लिए यू हैव टू कीप वर्किंग, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, और धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि लाइट कैसे इंपॉर्टेंट होती है, कंपोजिशन कैसे इंपॉर्टेंट होता है, बैकग्राउंड कितनी इंपॉर्टेंट होती है आपकी पिक्चर को अच्छा बनाने के लिए। तो फिर ये आपका बॉडी का एक इंस्टिंक्ट बन जाता है। आज अगर मैं निकलता हूँ, मैं घर के नीचे भी जाता हूँ तो मेरा कैमरा मेरे साथ होता है, मैं वहाँ से कुछ ना कुछ पिक्चर लेकर आता हूँ। तो आप अपने आप को चैलेंज करो, आप बोलो कि मुझे रोज़ एक पिक्चर खींचनी है अपने लिए। मतलब मेरा ये रूल था शुरू में जब मैंने स्टार्ट करा था, मैं 2 साल तक हर रोज़ एक पिक्चर अपने लिए खींचता था और उसे मैं पोस्ट भी करता था। तो हर रोज़ मुझे एक पिक्चर निकाली थी, दो आई एम वर्किंग फुल टाइम, आई हैव अ फैमिली, और भी काम करने होते हैं, लेकिन मैंने कसम खा ली थी कि मैं एक पिक्चर अपने लिए ज़रूर खींचूँगा। उस चीज़ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं ये नहीं कहता कि सारी पिक्चरें अच्छी थी उस वक्त, आज मैं बैठ के देखता हूँ, एनालाइज करता हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ कुछ बेकार भी थी, लेकिन वो मुझे एक पुश दे रही थी कि हाँ अशोक यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, अशोक हाँ हो सकता है ये। तो वो धीरे 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 करके आप उस मुकाम तक पहुँच जाते हो जहाँ पर आप कह सकते हो कि हाँ अब मैं सीख गया हूँ या मैं जान गया हूँ। तो
इसी का एक एग्जांपल देता हूँ. कल मेरे को एक लड़के का, वो मुझे 2 साल से फॉलो कर रहा है यूट्यूब पर और मेरे से बात करता रहता है इंस्टाग्राम पे. कल मैंने उसका काम देखा, आई वॉज सो अमेज्ड कि उसका काम इतना सुधरा है. उसने छोड़ा नहीं, मोबाइल से पिक्चर्स खींचता है सिर्फ वो. सर आप उसका अगर काम देखोगे यू विल से कि ये मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड है. और वो सिर्फ रात को पिक्चर खींची है उसने. उसका नाम अक्षय है एंड ही इज़ इम्प्रूव्ड. अभी 10-12 पिक्चरें खींची हैं लेकिन उसको वो रास्ता मिल गया है. एंड मैंने उसको कल बोला कि भाई बहुत अच्छी पिक्चरें हैं, तो वो बोलता कि सर आपको पता नहीं है कि आज ही मुझे पूरा 1 साल हुआ है जब से मैंने आपको फॉलो करना स्टार्ट करा था और आपसे बात करनी स्टार्ट करी थी. एंड आज ही आपने मुझको ये बोला है कि ये आपकी पिक्चर बहुत अच्छी है. क्योंकि उसे मैंने बहुत डांटा भी, मैंने उसे बोला कि तेरी 3rd क्लास पिक्चर है, ये क्या है, लेकिन उसने छोड़ा नहीं. वो करता रहा, सीखता रहा, सुनता रहा एंड आज उसने इम्प्रूव करा. तो लोग जल्दी में होते हैं लेकिन अपना देते नहीं है पूरा. तो सर इसी से मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन निकलता है. अभी स्पेशली जो यूथ है, मे बी कॉलेज में, स्कूल में, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मतलब सबको ये होता है. मतलब मोस्टली मुझे भी मैसेज आते हैं कि सर हमारे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं, हम बहुत अच्छी फोटोज़ डाल रहे हैं, या यूट्यूब पे भी. और वो जब मैं जाके प्रोफाइल देखता हूँ तो हार्डली 20-25-30 फोटोज़ या 2-3 महीने से काम कर रहे होते हैं. तो ये जो आजकल इंस्टेंट एकदम सबको चाहिए, वेरीफिकेशन मैं इसको बोल सकता हूँ कि मुझे वेरीफिकेशन चाहिए, और शायद उसके लिए ही ये सोशल मीडिया ज़्यादा एडिक्टिव होता जा रहा है. क्योंकि मैं आज फोटो डाल रहा हूँ, उस पर लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, मैं अपने ही वर्ल्ड में खुश हूँ कि हाँ मुझे बहुत अच्छा जा रहा है. तो एक आपके क्या व्यूज़ हैं जो अभी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. अभी मुझे 3-4 दिन पहले एक भाई का मैसेज आया इंस्टाग्राम पे कि सर मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना चाहता हूँ. तो मैंने कहा अच्छा. हाँ. तो मैंने उसकी प्रोफाइल तभी खोल के देखी, तो उसकी प्रोफाइल में मेरे ख्याल 12 या 15 पिक्चरें थी, तो और जिसमें से एक भी पिक्चर वाइल्ड लाइफ की नहीं थी. उसके बाद एकदम ही उसका मैसेज आया कि सर मुझे काम नहीं मिल रहा है. तो मैंने बोला कितने दिन हो गए तुम्हें फोटोग्राफी करते हुए? तो कहता सर मुझे 4 महीने हो गए हैं, मुझे कोई काम नहीं मिल रहा, और मोबाइल से पिक्चर खींचता है वो. और उसने अपनी प्रोफाइल पर एक भी वाइल्ड लाइफ की पिक्चर नहीं है. वो कहता कि मुझे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी है. तो मैंने कहा भाई मतलब क्या चाहते हो तुम? मतलब अभी तुम्हें 5 महीने हुए हैं और अभी तुम्हें फोटोग्राफी का पे भी नहीं आता और तुम कह रहे हो कि मुझे काम नहीं मिल रहा. लोग 10-10 साल से धक्के खा रहे हैं, उन्हें नहीं पता है. तो द थिंग इज़ कि पीपल थिंक कि इट्स टू ईजी, और उनको चाहिए कि आज रात को मैं सोऊं, कल सुबह फोटोग्राफर बन जाऊं. मैंने आज कैमरा खरीदा भाई, बढ़िया वाला कैमरा ले लिया, सबसे महंगा कैमरा ले लिया, बस अब तो मैं कत्ल कर दूंगा सबका. तो वैसा नहीं होता. मतलब लोगों को समझना पड़ेगा. मतलब मैं सबको ये एग्जांपल देता हूँ कि हमें ABCD सीखने के लिए भी KG, लोअर KG, अपर KG करना पड़ता है, 1st क्लास में जाना पड़ता है, तब जाके 3 साल में हमें ABCD सीखना आता है एक बच्चे को. और आप फोटोग्राफी कर रहे हो, जिसको समझना, फोटोग्राफी सिर्फ एक टेक्निकल चीज़ नहीं है, ये एक आर्ट है, ये एक आपके अंदर के इमोशंस को बाहर निकालने का ज़रिया है, और उसको निकालने का तरीका ओवरनाइट नहीं हो सकता है. और जो लोग ऐसे हैं वो मुझे लगता है वो कहीं पहुँचते भी नहीं हैं. वो आज कूदे हैं, कल कुछ नहीं हो रहा तो परसों फिर वो टिकटॉक पे चले जाएंगे, परसों टिकटॉक में कुछ नहीं होगा तो फिर वो कुछ नई चीज़ पे घुस जाएंगे. सो दे आर नॉट स्टेबल, दे आर जस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पीपल. तो सोशल मीडिया पे ये बहुत हो रहा है कि वो अशोक वर्मा को आज देखते हैं कि सर मुझे आप जैसा बनना है. भाई अशोक वर्मा का तुम आज का पेज देख रहे हो, अशोक वर्मा के जो 999 पेज जो उसके पहले के हैं, कहाँ से उसने स्टार्ट करा, कितना धक्के खाए, कितना क्या क्या करना पड़ा यहाँ पहुँचने के लिए. सो स्टार्ट फ्रॉम देयर, डोंट स्टार्ट फ्रॉम व्हाट आई एम नाउ. सो ये अगर लोग अपने दिमाग से निकाल देंगे तो बहुत होता क्या है. जैसे मुझे याद आ रहा है जब मैंने भी स्टार्ट करा था, तो एक तो आप जब फोटोज डालते हो, मे भी आप फेसबुक, तब फेसबुक होता था, तो आपके जो एक फ्रेंड सर्कल है उसमें लाइक सब आपको इतना प्रेस करते हैं कि आपको ही कहीं ना कहीं लगने लग जाते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ फोटोग्राफी में. एंड उस चक्कर में अब आजकल और इंस्टाग्राम और बहुत प्लेटफॉर्म्स आ गए, तो लोगों को वो चीज़ हो रहा है कि हाँ मुझे सब अच्छा बोल रहे हैं तो मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा. तो वो आई थिंक कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में वो चीज़ रहता है. इसीलिए मैं तो बोलता हूँ लाइक आपने कि क्या कहते हैं, आपको अगर अपने घर वालों के, अपने दोस्तों के 5,000 लाइक्स भी आए हैं तो वो ज़ीरो हैं. और अगर एक ढंग का फोटोग्राफर या एक जो रेप्यूटेड बंदा है, अगर वो आपके पिक्चर को डिसलाइक भी कर देता है तो वो बहुत बड़ी चीज़ है. क्योंकि वो मैटर करता है, और जो आपके दोस्त हैं ना वो तो सिर्फ आपको, आपकी तारीफ़ें करते रहेंगे, और वो उससे आपकी ग्रोथ नहीं होगी.
इसीलिए आजकल मैं इंस्टाग्राम पे लोग मुझे जो जैसे टैग करते हैं कि सर ये मैंने पिक्चर खींची है, मैं उसके ऊपर थम्स अप ना देकर थम्स डाउन देने लगा हूँ तो उनमें से जो बेकार के लोग हैं वो फिल्टर हो जाते हैं, और जिनको वाकई वो मैटर करता है दे विल कम बैक टू यू. सो सिंपल एज दैट. दिस इज नाइस. एग्जैक्टली. हाँ, बिकॉज ऑब्वियस है वही, अगर क्योंकि अगर आप जैसे आपने अपना बताया इन द पास्ट कहीं लोगों को आप असिस्ट करने गए फोटोग्राफर्स को एंड दे सेट की नहीं अभी या उन्होंने टाला, तो वही चीज़ है, उससे आपको एक एटलीस्ट पुश मिला. अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होता तो आप उसी टाइम छोड़ देते, तो वो चीज़ सही है. आप अगर किसी को बोल भी रहे हो कुछ जो नहीं सही, आप ऑन द फेस बता रहे हो, अगर उसको करना होगा वो उसको एज अ कॉम्प्लीमेंट लेगा रादर देन उसको लाइक नेगेटिवली लेना. तो हमने एक और इन द पास्ट आपने एक और मैं चाहता हूँ उस पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा हम बात करें. गियर्स की जब बात आती है, अभी बहुत व्यूअर्स होंगे, मेरी काफ़ी ऑडियंस है जो सिर्फ स्मार्टफोन से शूट कर रही है, तो अगर हम स्पेसिफिकली फोटो जर्नलिज्म या स्ट्रीट की बात करें तो आपको क्या लगता है कि लाइक दिस गियर किस हद तक मैटर करते हैं? बिकॉज एक टाइम पे आके ऑनेस्टली गियर में एक प्लस पॉइंट आ जाता है जब हम अच्छा गियर लेते हैं, बट आपके हिसाब से लाइक वो क्या सिचुएशन है, कब तक लाइक मोबाइल पे किया जा सकता है या क्या क्या कहते हैं? इसका सबसे सिंपल सा जवाब मैं ये दूंगा कि अगर आप सोशल मीडिया के लिए पिक्चर्स खींच रहे हो और अगर आप सिर्फ इंस्टाग्राम पे पिक्चर डालना चाहते हो या फेसबुक पे पिक्चर डालना चाहते हो अपनी दोस्तों की सेल्फी ये वो इवन या स्ट्रीट फोटोग्राफी भी करना चाहते हो तो मोबाइल फ़ोन इज़ गुड इनफ. अगर आपको कहीं और नहीं डालना, आपको कहीं और पार्टिसिपेट नहीं करना, मोबाइल फ़ोन इज़ गुड इनफ अंटिल अनलेस आप उसको यूज़ करना जानते हो, ठीक है. और अगर आप एक्चुअली में काम करना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, तो आपको कैमरा एक्चुअल कैमरा लेना पड़ेगा, चाहे वो DSLR हो चाहे मिररलेस कैमरा हो. बहुत सारे लोग ऐसे फोटोग्राफर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. मैंने अभी एक वीडियो भी बनाया था इसके बारे में जिसमें मैंने लिंक्स दिए थे कि देखो ये मोबाइल से पिक्चर खींची हुई है, लेकिन अगर आप अपने मोबाइल को ढंग से यूज़ नहीं करोगे तो वो ज़ीरो है. तो हाँ, लेकिन अगर आपको प्रोफेशनली काम करना है, चाहे फ़ोटो जर्नलिज्म करना है, चाहे आप आर्ट से रिलेटेड काम कर रहे हो, चाहे आप कमर्शियल फोटोग्राफी करना चाहते हो या स्ट्रीट फोटोग्राफी भी करना चाहते हो, तो आई डेफिनेटली सजेस्ट कि यू शुड हैव अ कैमरा, चाहे वो बेसिक कैमरा हो चाहे वो पॉइंट एंड शूट कैमरा हो. तो मोबाइल फ़ोन ठीक है, मतलब बहुत कुछ कर देता है अगर आप उसको समझ लेते हो और उसकी लिमिटेशंस को समझ लेते हो. द थिंग इज़ कि पीपल, जब आप मोबाइल फ़ोन से पिक्चर खींच रहे होते हैं लोग, तो वो ये सोच रहे होते हैं कि ये DSLR है, और तो फिर वो रात को भी पिक्चर खींचने जाते हैं उससे. फिर वो कहते हैं कि जी हमारी पिक्चर में ग्रेन आ रहा है, हमारी पिक्चर तो वैसी नहीं आ रही जैसी आपकी आ रही है, कॉन्ट्रास्ट नहीं आ रहा, ये तो बड़ी अजीब सी आ रही है, हिली हुई आ रही है. तो मतलब लिमिटेशन समझो, अगर वो दिन में अच्छी पिक्चर खींच सकता है तो दिन में खींचो यार उससे, मतलब कसम मत खाओ कि मुझे रात को ही पिक्चर खींचनी है. सो दैट्स द थिंग. हाँ, बिकॉज कई लोगों को ये होता है कि अभी हम फोटोग्राफी इसलिए नहीं कर पा रहे कि हमारे पास कैमरा नहीं है, हमारे पास मोबाइल है. तो आई थिंक आज के टाइम में 2020 में वो एक्सक्यूज़ नहीं है आपके पास कि आप फोटोग्राफी इसलिए नहीं कर पा रहे बिकॉज आपके पास एक DSLR है, मिररलेस नहीं है. तो आई थिंक मोबाइल में एक कैमरा है विच इज़ गुड इनफ टू स्टार्ट, तो वो अब एक एक्सक्यूज़ नहीं है जो पहले हो सकता था लोगों के पास. तो मोबाइल कैमरा इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, लाइक अगर आप उसको ढंग से यूज़ करते हो इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यू कैन क्रिएट अमेजिंग विजुअल्स आउट ऑफ इट. बट वो ये कि आप वो भावनाओं में बह जाते हो और फिर आप उसकी ले लेते हो पिक्चरों में. हाँ नहीं, आपने लिमिटेशन बहुत अच्छा टर्म बोला जहाँ पे हमें आके समझना चाहिए कि हाँ इसका एक लिमिटेशन, बिकॉज अब जैसे ठीक है अगर कोई मोबाइल से शूट कर रहा है तो होता क्या है, लोग सिर्फ गियर में ही इतना रह जाते हैं कि मेरे पास अगर 3 लाख का कैमरा होगा तो ही मैं अच्छी फोटोज ले पाऊंगा. बट गियर के अलावा दो ऐसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स आपके हिसाब से क्या है फोटोग्राफी में जो इररिस्पेक्टिव ऑफ गियर हमारी इमेजेस को बहुत अच्छा बना सकता है? द फर्स्ट थिंग मेरे को जो लगता है कि आप जो भी इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो उसका लिमिटेशन समझो कि मतलब ये कहाँ तक जा सकता है. इवन चाहे आप अपना DSLR या मिररलेस भी यूज़ कर रहे हो, सारे कैमराज, बिकॉज देर इज़ नो परफेक्ट कैमरा, मतलब महंगे से महंगा कैमरा भी कहीं जाकर टूट जाता है. तो आप अपने कैमरा को देखो कि मैक्सिमम ISO कितना ले सकता है या ये कितनी किस चीज़ को झेल सकता है या आपके पास कौन सा लेंस है तो उससे आप सबसे बेस्ट क्या कर सकते हो. तो आप अपने गियर की लिमिटेशन को समझो. दूसरी चीज़ है, इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन गियर, कॉन्सेंट्रेट ऑन लर्निंग हाउ टू यूज़ इट. बेसिकली हम बिना सोचे बिना उसको जाने हम मतलब
दिमाग में तो पिक्चर बनाना बहुत आसान है, मतलब आई कैन विजुलाइज कि एक पेड़ है, पेड़ के पीछे से चिड़िया उड़ रही है, उसके पीछे से एक आदमी जा रहा है, ये विजुलाइज करा मैंने। अब उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, एग्जीक्यूट करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपने टूल को समझो, मतलब वो टेक्निकली कैसे काम करता है। एंड देन द थर्ड पार्ट इज योर परसेप्शन, योर वे टू कम्युनिकेट थिंग्स। मतलब अगर मेरा पिक्चर बहुत अच्छी शार्प पिक्चर्स नहीं देता है तो मैं आई ट्राई टू क्रिएट अ स्टोरी विच इज़ हेजी, विच इज़ ड्रीम लाइक, मतलब जिसमें मतलब ऐसा लग रहा है कि पीछे धुंध है, तो मैं उस चीज़ को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहा हूँ। अगर मेरे कैमरा ग्रेन दे रहा है तो मैं ऐसा विजुअल क्रिएट करने की कोशिश करूँगा कि जो ग्रेन्स उसको एनहेंस करे। तो अगर मेरे पास वाइड एंगल लेंस नहीं है तो मैं 50mm से ऐसे विजुअल्स क्रिएट करने की कोशिश करूँगा कि मैं दूर जाकर वाइड पिक्चर लूँ, इंस्टेंट कि मैं ये रोता रहूँ कि मेरे पास वाइड एंगल नहीं है यार, मेरे पास तो 50mm है, मैं कैसे कवर करूँगा, मेरे पास तो जूम नहीं है, मैं कैसे क्लोज जाऊँगा। पैर दिए ना भगवान ने, आप आगे जाओ पीछे जाओ। तो सिंपल तरीके हैं, लेकिन हम इन्हीं चीज़ों में अटके रहते हैं और जो बेसिस हैं, जो उसका बेसिक है, उसको नहीं समझने की कोशिश करते। तो बेस को समझना बहुत ज़रूरी है और अपने आप को डेवलप करना मतलब बहुत ज़रूरी है। और मेरे जो चैनल है, मतलब उसमें मैं ज़्यादातर लोग मुझे बोलते हैं करके दिखाओ, ये करो। माई आइडिया इज़ टू बिकम अ बेटर पर्सन, एंड इफ़ यू आर अ बेटर पर्सन देन यू आर अ बेटर फोटोग्राफर। आप किसी को धोखा देके कुछ गलत करके कुछ नहीं कर सकते हो। यू हैव टू बी अ गुड पर्सन विथ गुड थाट्स एंड गुड थिंकिंग, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। तो वही उसी चीज़ के लिए मैं लोगों को पुश करता हूँ कि भाई अपने आप को सुधारो, आप अपने आप को सुधार लोगे आपकी फोटोग्राफी सुधर जाएगी। तो सिंपल मतलब यही मेरी थ्योरी। इंटरेस्टिंग बिकॉज कई बार ऐसा होता है, हम सोशल मीडिया पे कहीं देखें कि आप फोटोज ले रहे हो, लेट्स सपोज स्ट्रीट पे बच्चों की या कुछ भी, एंड आपने शॉट लिया एंड आप जस्ट निकल गए। मे बी शॉट लेने के बाद आप एक छोटा कन्वर्सेशन कर सकते हो, और आप क्या अपने सब्जेक्ट को रिस्पेक्ट कर रहे हो या जस्ट एक फोटो के लिए आप वो चीज़ कर रहे हैं, देन आप टोटली स्प्लिट पर्सनैलिटी हो जाते हो फोटो लेने के बाद। आई थिंक वो लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करता है, जो आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला कि आप अपनी पर्सनैलिटी पे एंड अपने ऊपर काम करोगे तभी आप एज अ लाइक अच्छे फोटोग्राफर लॉन्ग टर्म ग्रो कर पाओगे। वो एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। सो सर आई थिंक यहाँ पे रैप अप करते हैं। इट वॉज अमेजिंग आपसे बात करना, काफ़ी कुछ मुझे भी जानने को मिला, एंड आई होप जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी इंटरेस्टिंग रहा होगा। तो फिर से करते हैं प्लान, मे बी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आएंगे एंड कुछ बनाएंगे। सो जो लोग देख रहे हैं, अगर आप स्पेसिफिकली स्ट्रीट या फोटो जर्नलिज्म में इंटरेस्टेड हो, डू चेक आउट अशोक सर का चैनल, अशोक वर्मा नाम से है, एंड आई एम श्योर यू लव इट। सो दैट्स इट, थैंक यू गाइस ज्वाइन करने के लिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में विद अ न्यू गेस्ट। टिल देन टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।